स्तर पर नींद नहीं आती, मुझे चैन पड़ता है अपने समाज में जाकर। मुझे तब चैन नहीं पड़ता जब मैं अपने एसी के कमरे में लेटी होती हूँ, क्योंकि उस सग में जब लेटी होती हूँ तो मेरा दिमाग पूरे देश में भ्रमण करता है, उन झोपड़ियों में, उन झुग्गियों में, उन बासी रोटी खाने वाले मेरे समाज के टुकड़ों में, जहाँ आज भी गुलामी की दास्ता मैं अपनी आंखों से पिछले 12 वर्षों से देख रही हूँ। आज का नहीं है ये मेरा संघर्ष, पिछले 12 से 13 वर्ष मुझे गांव गांव में हो गए, ये मंच यूं ही नहीं मिले हैं, गांव गांव जाती थी झोला टांग कर, लोग कहते थे कहां से आ गई ये तो बच्ची, ये क्या बताएगी, सुनते नहीं थे, बैठते नहीं थे, किताबें देती थी, अगली बार जाती थी तो चना मूंगफली उस किताब के पन्नों पर खाते थे, दिल रोता था इस समाज को गुलामी से निकालने के लिए, मैं कपड़ों के लिए मिलने वाला घर से पैसा मैं किताब खरीदती और इसको देती और ये फाड़ कर रोटी रखकर खाता। ये जब देखा तो तब लगा कि इसको नहीं पता कि इसके पास कितना चमकीला, कितना ताकतवर, कितना चमत्कारी विचार है जिसके बारे में ये नहीं जानता। चमत्कार में हम कहां जा रहे हैं, किसी के पैर छू ले चमत्कार हो जाएगा, सारे मर्जों की एक दवा, बाबा जी के पैर छू लो दुख हो जाएंगे, छू मंतर हवा, और जाते 5,000 में पैर छूते हैं, पैर छुआई चल रही, हद हो गई, पैर छूने से दुख दर्द मिट रहे हैं। इसी टेकनपुरा में पिछले हफ्ते कोई बाबा आए, 5,000 रुपए में पैर छुए जा रहे थे, 5,000 में पैर छुए, क्यों क्यों झुकते हो इतना, बस इतना झुको कि कलम का अगर मेरी कलम गिर जाए तो उसको उठाने के लिए झुको, मैं भी झुकती हूँ, तब झुकती हूँ जब थाली में मुझे निवाला उठाना होता है तो मैं सर झुकाती हूँ उसको खाती हूँ, हाँ मैं भी झुकती हूँ जब कलम गिर जाए तो उठाने के लिए झुकती हूँ, किसी के नीचे जमीर गिराने के लिए नहीं झुकती, जिन्होंने आपके महापुरुषों को मारा, छल किया, कपट किया, उनके पैर छूकर धन्य होते हो। क्यों छुए हम उनके पैर, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे महापुरुषों को तुमने छली बनकर, कपटी बनकर, नए नए भेष बदल कर उनको मारा, हमारी कमजोर औरतों का वध किया, रेप किया। रैदास जी की बात आज तक समाज नहीं समझा, कैसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ा यानी ऊंच नीच सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मैं पैर पर इसलिए बोल रही हूँ कि जिस समान समाज की बात, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर अच्छी फसल नहीं उग सकती, आप ऊबड़ खाबड़ जमीन पर कभी फसल उगाना, ये टीले मैंने अभी रास्ते पे देखे कि ऊंचे नीचे टापू जैसी जमीन है इस एरिया की, बिहार है क्या, ऐसी टापू पर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खेती होती है, खेती होती है, ऐसी जमीन कभी अपने अंदर से कुछ उपजाऊ कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ऊबड़ खाबड़ समाज जिसमें नीचे चमार है और सबसे ऊपर पंडित जी हैं, तो ऐसा समाज कभी अच्छा राष्ट्र, अच्छा नागरिक बना सकता है, नहीं बना सकता। अगर बना पाता तो ये भारत आज तक विकासशील नहीं, विकसित हो चुका होता। बाबा साहेब से लेकर रविदास जी, कबीरदास जी, कबीरदास जी का दोहा भी मैं बता देती हूँ कि मलमल धोए शरीर को और धोए नमन का मैल और नहाए गंगा गोमती रहे पैर के बैल, ना जाति गई ना मन का मैल धुला। जात लगाने जाते हैं, हमारे यूपी में जात लगाने की परंपरा है, कहाँ जा रहे भैया, जात लगाने जा रहे हैं जी, वापिस लौट कर लगाया है जात, दिया है जात, कहाँ दिया है, क्या क्या जात है जी, वो ये जो चमार, अरे तू गया था जब भी चमार, तू जात लेकर आया तब भी चमार, तेरी जात तो वही रह गई, क्या फायदा हुआ जाने का, फायदा बताइए। दुकानदार से अगर 10 रुपए का सामान लेते हैं और 10 रुपए के सामान में अगर 100 ग्राम सामान आना होता है और 100 ग्राम में अगर 1 ग्राम भी कम रह जाए तो झगड़ा कर लेते हो कि भैया कम कैसे रह गया, अब इतने सालों से जात धो रहे हैं, जात वाले बाबा से पूछा क्यों नहीं, जात क्यों नहीं ली तूने हमारी, इस देश के अंदर
जातिवाद और जात दो ऐसे कोड़ हैं जो इस देश में इस तरह दिस रहे हैं जिसमें हर कोई दुखी है, कष्ट में है, लेकिन जीना कहाँ चाहता है? किसी के पैरों को छूकर उसकी कृपा लेकर, उस वाले बाबा के पास चले जाओ, इस वाले तांत्रिक के पास चले जाओ, उस ढोंगी के पास चले जाओ, किसी से कुछ ना हो रहा तो भैया किसी नेता के पास चले जाओ। लेकिन वहां तो आज तक भला हुआ ही नहीं। 33 करोड़ थे जिनको चुनौती उस समय रैदास जी ने दी, और उन 33 करोड़ की नसबंदी तो जानते ही हैं, भारत सरकार ने एक बार चलाई भी थी। जब हर साल एक एक अवतार पैदा होता था, एक एक अवतार पैदा होता था, और हम उसके पैरों में फिर चले जाते थे। अगर हमें खाज हो गई तो खिजली देवता आएगी, अगर हमें दाग धब्बे हो गए तो उसका भी एक देवता हैगा, अगर बुखार आ गया तो उसकी भी एक देवी हैगी, अगर ताकत चाहिए तो उसका भी हनुमान हैगा, अगर गुस्सा है तो काली हैगी, नशा करना है तो भोले बाबा हैगा, कई सारे हैं ना अलग अलग गिनती के। ऊपर जाना तो वही जो बातें हैं कि आपके पास हर चीज का एक देवता है, लेकिन इतने सालों से किसी ने भी आपको सही रास्ता नहीं बताया। अगर बताते होते तो आपके समाज में इतने सारे महापुरुषों को इस मिट्टी में मिलना नहीं पड़ता। जाने कितने लोग आए तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम ना जागे। जाने कितने महापुरुष आए जिन्होंने अपना जीवन, जवानी, बचपन, बुढ़ापा और जिंदगी की सारी ऊर्जा तुम्हें जगाने में लगा दी। तुम तो बड़े सुख हो, तुम कैसे हो गए? कान सुखी हो गए हो। कान सुखी क्या होते हैं? कानों को सुख मिला, बड़ा अच्छा लगा, ताली बजा दी, बहुत बढ़िया बोल के गई है दीदी। लेकिन जिस बात को मना करने का वो ही जाकर अभी कर लेंगे। कानों का सुख जीवन में नहीं उतारा तो इस कान के सुख का क्या मतलब है? इन आयोजकों की मेहनत का क्या मतलब है? इन आयोजकों ने आज कार्य कर दिया, साल भर तुम सो जाओगे जाकर। और जिस विचारधारा से तुम लड़ रहे हो वो विचारधारा सुबह 4 बजे उठकर काम करती, घंटी बजाती है और जगाती है सबको, सुबह सुनाती है अपने गाने। कितने लोगों को सुनाते हो अपनी विचारधारा? यहाँ से जाएंगे अपने बीवी बच्चों तक को नहीं बताएंगे? क्या हुआ था? कुछ नहीं, जागरण था, क्या हुआ? भंडारा था, खा के चले आए, कुछ बात नहीं। मैं अच्छी तारीफ इसलिए करना चाहूंगी कि हम महिलाएं भी हैं, कम से कम इतनी महिलाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। कई बार तो ऐसा लगता है मंच पर भी महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं मंच पर हैं। ये आयोजकों की बहादुरी है कि बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए त्याग पत्र दे दिया था, कानून मंत्री पद से।